एमपी से पीएम मोदी की हुंकार, कहा कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, कांग्रेस को मौका मिला तो एमपी को एक बार फिर बीमारू राज्य बना दे। नारी शक्ति बंधन बिल को लेकर इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी का वार, कहा घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में बिल का समर्थन किया, गठबंधन के कई लोग 30 साल से कर रहे थे बिल का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज चौहान, कहा राज्य को कांग्रेस ने बर्बाद किया, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने विकास किया। खुली जीप में भोपाल के जंबूरी मैदान पहुंचे पीएम मोदी, हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, साथ में सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की रैली पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का निशाना, कहा कितनी भी रैली कर लें कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे, जनता ने मन बना लिया। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी, बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ी जीत का दावा, कहा राहुल गांधी ने कहा है जीत कर दिखाओ, हमने स्वीकार किया है चैलेंज। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का वार, कहा राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोगों को ठग रही है कांग्रेस सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो वायनाड छोड़कर हैदराबाद से करें दो दो हाथ। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओवैसी को चुनौती, कहा ओवैसी को किसी ऐसी सीट से लड़ना चाहिए जो मुस्लिम बाहुल्य ना हो, उनको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। इंडिया गठबंधन पर हो रही बयानबाजी पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा लोग कई तरह की बातें करते हैं लेकिन उससे इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के सियासी स्टैंड की अटकलों के बीच बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा एनडीए में नीतीश कुमार के लिए सभी रास्ते बंद हैं, बिहार की राजनीति में नहीं बची कोई हैसियत। सीएम नीतीश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम में नीतीश माला डालने नहीं आरजेडी को हराने गए। आज होने वाली कैबिनेट को लेकर नीतीश कुमार ने सफाई दी, कहा तेजस्वी के बाहर जाने की वजह से पहले से रखी गई है मीटिंग, मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी तेजस्वी के पाले में ही डाल दी गई। सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने वाले उदयनिधि और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के खिलाफ संतों और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, तमिलनाडु भवन के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जताया विरोध। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा हिंदुओं के नाम पर राजनीति और फर्जीवाड़ा करती है बीजेपी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने इंडिया गठबंधन को बताया सनातन विरोधी, कहा देश की जनता इंडिया गठबंधन को सबक सिखाई। एनसीपी चुनाव चिन्ह पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, कहा चुनाव आयोग अंतिम निर्णय देगा, चुनाव आयोग का हर फैसला स्वीकार होगा। महाराष्ट्र सरकार पर संजय राउत का बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र में एक साल से अवैध सरकार है, विधानसभा अध्यक्ष ने अवैध सरकार को संरक्षण दिया। पंजाब सरकार पर भड़के पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़, कहा पिछले 120 दिनों में 12,000 करोड़ कर्ज ले चुकी है पंजाब सरकार, विकास के नाम पर 900 करोड़ किए गए हैं खर्च। हिंडन एयरबेस पर दो दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय वायुसेना ने किया आयोजन। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टली, वकील अभिषेक मनु सिंघवी के पेश न होने के चलते सुनवाई टली। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को मिली जमानत, गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करने पहुंचे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, जेपी नड्डा ने पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहली दो हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई, दो बसों के ट्रायल के बाद इस साल के अंत तक और 15 बसों को लाने का टारगेट। महाकाल के दरबार में गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, उज्जैन में महाकाल मंदिर में की आरती, भगवान का आशीर्वाद दिया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर जाकर गणपति का दर्शन किया, मुख्यमंत्री ने शॉल और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया, भगवान गणेश की मूर्ति भी भेंट।
कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर विरोध जारी, तमिलनाडु के तंजावुर में किसानों का सड़क रोको प्रदर्शन। आगरा में सत्संगी और पुलिस के बीच बवाल को लेकर एक्शन में प्रशासन, अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई में कल जमकर हुआ उपद्रव, सत्संगियों को दस्तावेज दिखाने के लिए 7 दिन की मोहलत। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बचाए युवक, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ स्टाफ की सतर्कता की वजह से बची युवक की जान। महाराष्ट्र के कल्याण नासिक हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे 5 लोगों को कुचल दिया, 3 की मौके पर मौत। एमपी के उमरिया में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई एक कार, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। कश्मीर में शुरू हुई बर्फबारी, गुरेज वैली में गिरी बर्फ, पहली बर्फबारी में सामान्य से काफी नीचे गया तापमान। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद अधिकतम तापमान तक 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, कल के मुकाबले 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी, बांका जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी शंभू यादव हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। केरल में पीएफआई के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, करीब 5 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी, टारगेट पर पीएफआई नेताओं के ठिकाने। खालिस्तानी टेरर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में एनआईए, अक्टूबर के पहले हफ्ते में बड़ी बैठक होगी, सभी राज्यों के एटीएस अधिकारी भी शामिल हैं। सियोल, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने बीजिंग, टोक्यो और सियोल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, सियोल में त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ। एशियन गेम्स में भारत ने जीता 2रा गोल्ड मेडल, महिला क्रिकेट टीम फाइनल में श्रीलंका को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।